देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस भूमि पूजन के अवसर पर आज अहमदाबाद में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और आधारशिला रखी। देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही सच हो सकता है। यह है बुलेट ट्रेन इंडोनेशिया का। इंडिया और इंडोनेशिया लगभग एक ही टाइम में बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन जहां इंडोनेशिया का बुलेट ट्रेन 2023 में आने वाली है, वहां इंडिया की बुलेट ट्रेन की अता पता नहीं है। आइए जानते हैं किन कारणों की वजह से इंडिया में बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं आ पाई। बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,10,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 81% जापान हमें 0.1 इंटरेस्ट रेट पर देगा और इस अमाउंट को इंडिया आने वाले 50 ईयर्स में चुका सकता है। जब बात की जाए डिले की कारण की, तब लैंड एक्विजिशन सबसे पहले नंबर पर आता है। सितंबर 2017 से सितंबर 2021 तक गुजरात में कुल 91% लैंड एक्वायर हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 31% लैंड एक्वायर हुआ था। मुंबई की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को बुलेट ट्रेन की स्टेशन बनाने के लिए तय किया गया था। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट लैंड खाली नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने इसे व्हाइट एलिफेंट घोषित कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी जीरो। बुलेट ट्रेन को सफेद हाथी बताने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि फिलहाल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम को रोक दिया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के भिवंडी एरिया के एक फार्मर ने बताया कि हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमें जॉब और सही कंपेंसेशन नहीं मिलती तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तब की रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इस बात का संसद में स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर बुलेट ट्रेन का विरोध हो रहा है। कई जगह पर विलेजर्स ने पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एंट्री करने तक रोका। बुलेट ट्रेन की देरी के लिए अब ये काफी नहीं था। मुंबई के एक एनजीओ ने क्लेम किया कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए मैंग्रोव्स काटने से फ्लेमिंगोस को नुकसान होगा और इस मामले को कोर्ट तक घसीट दिया। गॉडरेज एंड वॉइस कंपनी ने भी बुलेट ट्रेन के खिलाफ एक पेटिशन दर्ज किया है। उनका कहना था कि उनकी 508 किलोमीटर विक्रोली लैंड के लिए जो 267 करोड़ दिया जा रहा है, वो इनिशियल ऑफर 572 करोड़ से काफी कम था और न जाने ऐसे कई केसेस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के खिलाफ दर्ज किया गया है। जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आई है, यानी कि फरवरी 22 से लेकर फरवरी 23 तक, महाराष्ट्र में 100% लैंड एक्वायर हो चुका है और बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। करंट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हिसाब से बुलेट ट्रेन 2027 तक पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। सोचने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी जापान का, पैसा जापान का, फिर भी हमें 10 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, इंडिया को सिर्फ गति शक्ति नहीं, उससे भी बढ़कर शक्ति की जरूरत होगी और कुछ ऐसा कानून लाना होगा, भले ही सरकार किसी भी पार्टी का हो, देश की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा ना आए, देश की तरक्की में कोई बाधा ना आए।